और जब पूनम जी रेडी हो गई हैं अपने ससुराल जाने के लिए, बहुत दिन बाद जा रही है, तो कैसा लग रहा है आपको? भैया जी रेडी हो रहे हैं, एकदम कोट शूट पहन के निकलने वाले हैं, आ रहे हैं, रेडी हो गए। अभी सर खाना खा रही है, मम्मी भी धूप ले रही है। मैं जा रहा हूँ अपने ससुराल, पूनम जी जा रही है अपने ससुराल, तो दो दो लोग जा रहे हैं अपने ससुराल। हेलो फैमिली, वेलकम है आपका विनय कोमल चैनल के ब्लॉग पे। तो आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि आज मैं निकल रहा हूँ अपने ससुराल कोमल की विदाई कराने के लिए। अब बहुत रह लिया अकेले भाई, जानते हैं ससुराल में आना जाना तो अच्छा एक्साइटमेंट रहता है। और चलो हम तो रेडी हो गए हैं, और मैंने कोमल को कॉल भी कर दिया कि बस निकलने वाले हैं, बस शिवी भाई गाड़ी लेके आते होंगे तो साथ में गाड़ी से निकलेंगे और जल्दी वहाँ से वापस आ जाएंगे। वो भी अपना रेडी तैयारी कर रही है भाई आने का। मैंने सुबह ही बोल दिया कि भाई, मैंने पिछले ब्लॉग में बोला था कि आज हो सकता है जाऊँ, तो हो सकता है हो वाला बात कन्फर्म हो गया है। तो जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, बस 50,000 होने में 1,000 ही बाकी हैं, 1,000 सब्सक्राइबर। प्लीज़ आज दबा के धक्का धक सब्सक्राइब कर दो, और निकलते हैं ससुराल के लिए। उसके पहले देखते हैं घर में लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो जैसे भी भाई आते हैं बस तुरंत निकलेंगे, दोपहर का टाइम हो गया है, हम निकलते हैं। मैं भी देखो रेडी हो गया हूँ, एकदम जैसा भी लग रहा हूँ सही लग रहा हूँ। आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। और इधर पूनम जी रेडी हो गई हैं अपने ससुराल जाने के लिए, बहुत दिन बाद जा रही है, तो कैसा लग रहा है आपको ससुराल मेरे लिए? अब क्या मैं बताऊँ, वहाँ जाने पे पता चलेगा कैसा लगेगा, कि क्योंकि एक फीलिंग होती है ससुराल जाने के लिए, मेरे लिए तो एक चुनौती है। अच्छा, चुनौती है, तो आप चुनौती को स्वीकार करते हो? चुनौती को स्वीकार कर रही हूँ, तभी तो जा रही हूँ। नहीं, अच्छी बात है, जाना चाहिए, देखो ससुराल है, अब क्या करोगे, थोड़ा बहुत तो जाना पड़ेगा ना। कहा गया है ना, मम्मी बगैर मायका अधूरा रहता है, पति बिना ससुराल अधूरा रहता है, तो मेरे लिए क्या मायका क्या ससुराल। तो दोस्तों ससुराल से जुड़ी उनकी बहुत सारी बातें हैं, जब ये जाएंगे तो आप लोग को दिखाएंगे, मेरे ब्लॉग में आएगा, इनका ब्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए वहाँ पे जाने पे क्या लोगों का इम्प्रेशन होता है, देखते हैं इनके ब्लॉग में आएगा, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि मैं वहाँ पे जा रही हूँ, न कि मैं फोन करके जा रही हूँ। ठीक है, आप जाइए, बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से। थैंक यू। भैया जी रेडी हो रहे हैं, एकदम कोट शूट पहन के निकलने वाले हैं, आ रहे हैं, रेडी हो गए हैं सब। चलो भैया फटाफट रेडी जाओ। कार्तिक कहाँ जा रहे हो, तुम भी चलोगे? चलो आ जाओ। कार्तिक भी रेडी हो गया है, कहाँ जाओगे कार्तिक? कार्तिक जाएगा अपनी चाची के घर। चाची के घर जाओगे? जल्दी स्वेटर पहन लो, आ रहा हो। तो सोना इधर धूप में धूप ले रही, सोना इसको भी भाभी तैयार कर दीजिए, कैसी बनी हुई है? तैयार होके गंदी हो गई है। भाभी इधर खाना खा रही है, मम्मी भी धूप ले रही है। चलो कार्तिक जल्दी चलो। तो कार्तिक भी जा रहा है हमारे साथ, उल्टी नहीं करेगा कार्तिक, तो कार्तिक भी उल्टी करता है अपनी मम्मी की तरह। दवाई खिला दे तुम्हें बेटा, स्वेटर डाल लो, चलो डाल लो। सोना तुम भी चलोगी? चलोगी? मुंह में नहीं डालते बेटा, गंदी बात गंदी बात गंदी बात। खाना नहीं खाओगे? खाना नहीं खाएंगे, खाना वहीं खाएंगे हम। चलो कार्तिक बेटा चलिए चलो, हाँ बांध लो। और धूप आज बहुत कड़ाके की है, कार्तिक जूते में लेस बनवा रहा है अपने जूते में, और छोड़वा लेगा। क्या छोड़वा लेंगे, ज्यादा टाइट मत बांधो ना फिर। सोना भी इधर उधर घूम रहा है, चप्पल नहीं बेटा चप्पल नहीं, छी गंदी बात, छी छी। तो दोस्तों तैयारी पूरी हो चुकी है निकलने का, और इधर पीछे देखिए हरा भरा खेत और स्कूल है, बहुत ही कड़ा धूप है आज की, आंखें पूरी खुल नहीं पा रही हमारी। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, देखते हैं वी भाई आए कि नहीं, फिर निकलते हैं। और इधर मम्मी भी आपको दिखाया, धूप ले रही है बच्चे को,
भी तैयार कर रही हैं। तो चलो निकलते हैं, देखते हैं भाई कब आते हैं। तो वही सैड भाई, कपड़े नहीं मेरे पास, क्या करें, यही पहन के जा रहे हैं। दीपक भैया भी रेडी हो गए हैं, ड्यूटी जा रहे हैं। हाँ ड्यूटी जाना है कुछ, उनको लग रहा है कहीं शादी में जाना, रेडी हुए हैं। शादी में नहीं जाना है। तो ठीक है दोस्तों, बने रहो, गाड़ी आता है फिर बैठ के मिलते हैं आप लोगों से। कार्तिक पूरी तरह से रेडी नहीं हुआ था, तो भाभी उसका बाल वाल झाड़ रही है और सब अपने मुस्ताज फिल्डर की तरह रेडी हो गए हैं। चलते हैं, अम्मी भाई भी आ गए गाड़ी लेके, बोले जल्दी फटाफट निकलो। रोते नहीं बेटा, रोते नहीं, कहाँ जा रहे हो बताओ? आपके घर, आपके संग। अच्छा आपके संग जा रहे हैं, दिखा दो। चलो ठीक है, आरोप इधर रेडी हो गया है यार। राजा चश्मा लगाओ, उसका चश्मा लगाओ, चश्मा लगा के कार्तिक हीरो बन गया। जीरो बेटा है, हीरो क्या तुम? चले तो चलो दोस्तों, चलते हैं, निकलते हैं। तो सब धीरे धीरे स्टूडियो से उतर रहे हैं, सबको बड़ी एक्साइटमेंट है भाई, अपने दादी घर जा रहे हैं, अपने ससुराल जा रहे हैं। कार्तिक कहाँ बेटा? धीरे धीरे, हाँ उल्टी अभी बताना। तो फाइनली दोस्तों हम लोग गाड़ी बैठ गए और निकल रहे हैं। मैं जा रहा हूँ अपने ससुराल और पूनम भी जा रही है अपने ससुराल, तो दो दो लोग जा रहे हैं अपने ससुराल। अभी भाई गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, लेके आएगा, मैं जा रही हूँ, देखती हूँ। दुल्हन बन के जा रही है अपने घर, बढ़िया। तो चलते हैं, अभी मिठाई उठाई भी लेना है, क्योंकि मिठाई लेना जरूरी होता है, कहीं जाया जाता है हमारे यहाँ, तो कुछ मिठाई लेके जरूर जाना पड़ता है। ये हमारे यहाँ का रीति रिवाज है, आपके यहाँ का भी होगा तो जरूर बताइएगा आप लोग। बस भी भाई बस ड्राइव करें मत से, पहुँचा देंगे जल्दी से, भी हम लोग जल्दी भी आ जाएंगे, क्योंकि जो गाड़ी है ना, गाड़ी कहीं जाएगा आज, तो इसलिए थोड़ा जल्दी जाएंगे, जल्दी आएंगे। तो हम लोग आए हैं मिठाई के शॉप पे, मिठाई ले रहे हैं। ये बहुत ही फेमस मिठाई की दुकान है हमारे बाजार में, दीपक भाई ने कई बार दिखाया होगा और मैं तो पहली बार दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ जल्दी रहता नहीं हूँ। और ये हमारे विक्की भाई हैं, हमारे बहुत ही पुराने मित्र हैं ये। तो मिठाई रेडी हो रहा है, बस ले के निकलते हैं दोस्तों। और बहुत वैरायटी की मिठाई है, बहुत ही अच्छा है, पूरे मतलब दूरों दूर तक फेमस है इनकी दुकान, मोहन मिष्ठान भंडार, हमारे दोस्त की दुकान है ये। तो मिठाई ले लिया, निकलते हैं अब दोस्तों। पूनम दी उतर गई है इंदिरा मिल, क्योंकि यहाँ से जाने में बहुत दिक्कत होता है और आप लोग को पता है गाड़ी अर्जेंट बेसिस पे जा रही है, तो हमको वहाँ पे नहीं छोड़ सकते, आप इसके लिए बैक पेमेंट मत करना। तो वो चली गई हैं, हम और कार्तिक वी भाई हैं बस पहुँचने वाले हैं, यहाँ से 2-3 मिनट लगता है, बस पहुँच के मिलते हैं आप लोगों से। दोस्तों मैं पहुंच गया हूँ अपने ससुराल, आपने भी देखा माता जी का आशीर्वाद ले लिया हमने, और ये अभी देखो इधर नहा के आई हैं, इनसे बोला था जल्दी रेडी हो जाओ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आधा भी पता है 5 मिनट बोल के आधा घंटा फिर लगाएंगे मेकअप करने में। तो आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी का नाश्ता पानी दूसरे ब्लॉग में आएगा। क्यों? हाँ जी। अभी जस्ट पहुँचे हैं, क्योंकि घर से थोड़ा सा खा गए हैं, तो मन नहीं है कि 10 मिनट बाद नाश्ता पानी कराना। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे प्यार देते रहें। आप लोग से मिलते हैं, और हमको तो बहुत खुशी हो रही है यार, यार अपने बीवी से कोई मैं तो दूर नहीं रह सकता भाई, तभी तो मैं आगे लेने। चलो मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, सब्सक्राइब जरूर कर देना आप लोग, 50,000।